हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का। तो आज हम बताने वाले हैं कि क्रोम ब्राउज़र में आप अपना यूट्यूब और यूट्यूब स्टूडियो कैसे ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्रोम ब्राउज़र में इन दोनों ऐप को ओपन करते हैं तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब के ऐप में चला जाता है या तो यूट्यूब स्टूडियो के ऐप में चला जाता है। क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड में ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको अपनाना पड़ेगा और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो होता ही है, क्योंकि मुझे YouTube स्टूडियो की ज़रूरत पड़ता है जिसमें मुझे डेस्कटॉप मोड में ऑन करना पड़ता है और उसके बाद उसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह, जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं उनको, अगर वो मोबाइल से कर रहे हैं कंप्यूटर से नहीं कर रहे हैं तो उनको ये ज़रूरत पड़ेगा ही। तो खासकर उन्हीं के लिए है ये वीडियो। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से आप क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में और यूट्यूब भी आप डेस्कटॉप मोड में ओपन कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र में। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहले हम आपको क्रोम ओपन करके दिखाते हैं और उसमें सर्च करके दिखाते हैं डेस्कटॉप मोड में। पहले इसको हम होम में कर देते हैं, फिर इसको डेस्कटॉप मोड ले लेते हैं, पहले से ही है तो फिर से हम इसको डेस्कटॉप मोड कर देते हैं और अब सर्च करते हैं यूट्यूब। अरे यहाँ देखिए यूट्यूब में हम डायरेक्टली ऐप में आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हम ऐप में आ चुके हैं, इसको हटाते हैं। अब यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो ये डेस्कटॉप मोड ही है, तो यहाँ यूट्यूब स्टूडियो इसमें मत चले जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है प्रोसेसिंग प्लीज वेट, तो ऐसा ही आपको दिखाते रहेगा। तो यहाँ यूट्यूब लिखा हुआ है इसी में जाइए, क्योंकि ये भी यूट्यूब स्टूडियो ही है। तो ये देखिए हम सीधा अपने चैनल के ऐप में आ चुके हैं, यूट्यूब स्टूडियो ऐप में आ चुके हैं। तो अब बताते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं ओपन। तो पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स, मेरे यहाँ तीसरे नंबर पे ऐप्स लिखा हुआ होगा, उसमें मेरे को जाना है। बट आपके फ़ोन में आप देख लीजिएगा कहाँ पास है, थोड़ा इधर उधर होता है, आपके पास कोई भी फ़ोन हो सकता है। मेरे पास मोटो G60 है, तो मेरे में यही ऑप्शन है। तो मैं ऐप्स में जाता हूँ, यहाँ देखिए बहुत सारे यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब यहाँ मेरे जितने भी हैं, अभी एक मिनट पहले ही ये सब हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ से यूट्यूब पहले दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ ओपन बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आपके वहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि आपका अलग अलग फ़ोन होगा तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ आपका शो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, मेरे इस फ़ोन में यहाँ ओपन सपोर्टेड लिंक, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ इसको ऑफ़ कर देता हूँ, आपके फ़ोन में क्या होगा, आस्क मी एवरी टाइम या ऐसा ही कुछ होगा आपके फ़ोन में हो सकता है, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी पहले ऐसे ही था, अब अपडेट के बाद में कुछ अलग ही हो चुका है। जब से एंड्रॉयड वर्जन 12 हुआ है मेरा फ़ोन, मेरे को ही नहीं पता चलता है कि कैसे क्या हो गया है, बट अब पता चल गया है कि मेरे फ़ोन में कहाँ क्या है। तो ये हो गया यूट्यूब का और यूट्यूब स्टूडियो का। ये देखिए इसको भी कर लेते हैं हम ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ क्रोम में, ये देखिए ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो सर्च किया हुआ था। अब मैं इसको टच करता हूँ, ये देखिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो जो कि है क्रोम में खुल चुका है, ठीक है दोस्तों। ये क्रोम में ही मेरा यूट्यूब स्टूडियो ओपन है। तो ये हो गया, आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, आपको भरोसा ना हो तो। यूट्यूब स्टूडियो इस तरीके से,
अब देखिए YouTube, तो ये देखिए YouTube स्टूडियो फिर से ओपन हो गया। अब आपको YouTube ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। YouTube, तो ये YouTube सर्च कर लिया हमने, तो ये रहा YouTube। तो ये देखिए YouTube जो कि है डेस्कटॉप साइड में ओपन हो चुका है। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइड होगा, ये देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो ये डेस्कटॉप साइड है। तो ये हो गया, तो मैंने YouTube स्टूडियो भी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप क्रोम में ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप साइड में, और YouTube को भी, ठीक है दोस्तों। तो यही दोनों जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनके लिए जो मोबाइल से ऑपरेटिंग वगैरह करते हैं, जैसे मोबाइल में एडिटिंग, मोबाइल से ही काम करना है सारा, यूट्यूब स्टूडियो भी काम करना है, मतलब कुछ भी करना है मोबाइल से ही करना है, तो ये डेस्कटॉप साइड में जो कि है करना पड़ता है। तो डेस्कटॉप साइड में ओपन करने से क्या होता था, सीधा हम चले जाते थे ऐप स्टोर में, ऐप स्टोर जिसे बोलते हैं, कि हम जिस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उसी ऐप में चले जाते थे। तो इस तरीके से आप अपना यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब दोनों को ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप साइड में और एक क्रोम में ही। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको करना है और कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल में सेट करके रखिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए एक्सपेरिमेंट, नए ब्लॉग या नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।